तुम ना कब समझ में आई कोई बात। तो ये जो है काफिर का जिस्म भी पाक है, वो नापाक अगर है भी, वो मुजनिब है भी, तो उसका जिस्म पाक है। हाँ वो जन एहतलाम वगैरह जो चीज नापाकी की है, वो अगर उसके जिस्म की किसी हिस्से पर लगी है तो उतना हिस्सा नापाक। बात समझ में। मोहतलिम आदमी का जिस्म भी पाक होता है, मुजनिब आदमी का जिस्म भी पाक होता है। सब नई बातें हैं, ये क्या है, है? ये क्या है? मैं इसलिए नई बातें छेड़ता हूं ताकि आपको सीखने का शौक पैदा हो कि ये भी है। हाँ ये भी है, यही है सीखने की बातें। हाँ नहीं सीखेंगे तो नहीं सीखना खुद एक गुनाह है। तो क्या अर्ज कर रहा था दोस्तों, भूल गया आप हजरा? तो काफिर का जिस्म पाक है, मुशरिक का जिस्म भी पाक है, उसका पसीना भी पाक है। काफिर मुशरिक ईसाई यहूदी सबका पसीना भी पाक है। इसका मतलब नहीं कि उस पसीने को चाट लीजिए, ये मतलब नहीं, या उसके जिस्म से जिस्म लगा लीजिए, नहीं। उससे कराहत है हमको क्योंकि वो मानवी गंदगी रखने वाला है। इन्नमल मुशरिकूना नजस। लेकिन जिस्मानी गंदगी नहीं है। काफिर का पसीना अगर लग जाए तो आपका जिस्म गंदा नहीं होता। अदि अपड़ी अदि अपड़ी ना अदि अपड़ी ना। आप जो कहते हैं नजिस है, किस एतबार से नजिस है समझ रहे हैं? पसीने को आपने नजिस कह दिया, किसने? नजिस वो नजिस जिसे अल्लाह नजिस कहे, पाक वो जो अल्लाह पाक कहे। काफिर का पसीना नापाक है किसने कहा? नहीं मेरे दिमाग में ऐसा आता, तुम्हारे दिमाग को रहबर मत बनाओ। अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने जो कहा उसे रहबर बनाओ। तो पाक काफिर का पसीना पाक है, इसका यह मतलब नहीं कि जाके उससे लगड़ो जिस्म को या अपने कपड़ों को लगाओ, ये मतलब नहीं। काफिर का पसीना पाक, काफिर का जिस्म पाक। अच्छा काफिर का थूक वो भी, बस समझ में। तो कुछ थूक पीने का काम मत करो। बोलने का मतलब ये है कि मसाइल बता रहा हूं। काफिर का झूठा ये फिखा के एतबार से पाक है, जाहिरी गंदगी नहीं है। लेकिन काफिर का थूक मानवी गंदगी रखता है क्योंकि वो काफिर का थूक है, उसमें कुफ्र और शिर्क की बू है, लिहाजा वो गंदा है। काफिर का जिस्म गंदा है। बात समझ में आए? किस एतबार से? जाहिरी एतबार से नहीं, कुफ्र और शिर्क की वजह से काफिर का जिस्म क्या है? नापाक है, उससे दूर रहना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है। या मसाइल समझ गए आप हजरत? तो हमेशा कुछ ना कुछ फिखा के मसाइल जानते रहो मेरे दोस्तों। नमाज के मसाइल कितने हैं? सब मसाइल जानना जरूरी है। नमाज के मसाइल इतने सीखना जरूरी, जिन मसाइल को सीख कर कामिल तरीके से आप नमाज पढ़ सकें। रोजे के कितने मसाइल हैं, उन सबको जानना फर्ज। किस हद तक जानना फर्ज है? जिनको सीख कर रोजा कामिल तरीके से आप रख सकें। बात समझ में आ रही है? तो बंदगा ने खुदा तहारत के मसाइल, नमाज के मसाइल, रोजे के मसाइल, वजू के मसाइल, गुसल के मसाइल, ये सब पर जानना फर्ज। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीन आमनू इन्नमल मुशरिकून नजस। ऐ ईमान वालो, यकीनन मुशरिकीन जो हैं वो क्या हैं? नापाक हैं। इन्नमल मुशरिकून नजस फला यखरबुल मस्जिद अल हराम बाद आमहिम हाजा। तो मुशरिकीन जो हैं यानी कुफार जो हैं, मस्जिद हराम से करीब भी ना हो, मस्जिद हराम के करीब भी ना फटकें इस साल के बाद। यह आयत जब नाजिल हुई उस वक्त से लेके आज तक, या अय्युहल्लज़ीन आमनू इन्नमल मुशरिकून नजसुन फला यखरबुल मस्जिद अल हराम बाद आमहिम हाजा। ये जब आयत नाजिल हुई कि ऐ ईमान वालों तमाम मुशरिकीन जो हैं वो नजस हैं, नापाक हैं। कैसे नापाक? जिस्मानी नापाक नहीं, जाहिरी नापाक नहीं, बातिनी नापाक। क्यों बातिनी नापाक? शिर्क और कुफ्र की वजह से। फला यखर, तो मुशरिकीन नापाक हैं, तो मस्जिद हराम से वो करीब भी ना हो। तो उस वक्त से लेके जब ये आयत नाजिल हुई उस वक्त से लेके आज तक कोई गद्दा जाता है तो जद्दे तक जाता है,
कोई गद्दा यानी गधा जाता है तो कहां जाता है? जद्दा तक जाता, जद्दे तक जाता है, जद्दे से आगे बढ़ने की उसे इजाजत नहीं। अमरीका का सदर ही क्यों ना हो, खाने काबा के करीब जाके मक्के को देख, काबे को देख नहीं सकता। एक फकीर जाता है हज करने की इस्तेतात उसके पास नहीं। राशिक शाह साहब ने 10,000 रुपए दे दिए, जब्बार भाई ने 15,000 रुपए दे दिए, मैंने 5,000 रुपए दे दिए, फजल भाई ने 5,000 रुपए दे दिए, सब ने मिलकर उसे कहा कि जाओ हज करके आओ, जाओ। तुम देखना चाहते हो ना खाना काबा का जलाल देखना चाहते हो, तुम देखना चाहते हो ना सब्ज गुंबद का जमाल देखना चाहते हो, रसूलुल्लाह की सब्ज जालियां सुनहरी जालियां देखना चाहते हो ना, मुआजह शरीफ में खड़े होना चाहते ना, जाओ जाके आ जाओ। तो सब ने मदद की, गरीब आदमी फकीर आदमी वो गया काबे को, गया तवाफ किया उसने और फिर मदीने मुनव्वरा को गया। तो वो जा सकता है काबे को तवाफ कर सकता है, काबे को देख सकता है, मुल्तजम में जालियां मुल्तजम में जो है काबे गिलाफ काबा को पकड़ के काबे के दरवाजे को पकड़ के मौला से गुफ्तगु कर सकता है, सरगोशी कर सकता है अपने रब से। फकीर जा सकता है अपने रब के घर का तवाफ कर सकता है, रसूलुल्लाह की जालियों से करीब हो सकता है, सब्ज गुंबद की बहारें लूट सकता है, मुआजह शरीफ के अनवार व बरकात से मालामाल हो सकता है, जालियों से करीब होकर नूर की बरसात में नहा सकता है, सरकार को पुकार सकता है, या रसूल अल मदद, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, करम कीजिए, ताजदारे हरम हो निगाहे करम। लेकिन अमरीका का सदर है काफिर है मुशरिक है, इन्नमल मुशरिकून नजस, ये फकीर मुसलमान पाक है, रसूलुल्लाह से करीब हो गया ईमान की पाकी लेकर, और नापाक करोड़पति अरबपति खरबपति मिलियनर मल्टी मिलियनर जद्दे तक जा सकता है, उससे आगे नहीं बढ़ सकता। ये है कौन धनवान है, कौन भिखारी है, कौन मालदार है, कौन पापर और खल्लाश है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल मुश्रिकून नजसुन फला यक़रबुल मस्जिदल हराम बाद आमिहिम हाज़ा, ये नापाक हैं, अल्लाह के हबीब के करीब नहीं हो सकते। ये मक्का है, यहां मुस्तफा रहते हैं, यह मदीना है, यहां हबीब है खुदा का, यहां इससे करीब तो नबी के खुर्ब में यह नहीं आ सकता। कौन? जो मुशरिक है, जो बेईमान है, अपनी बातिनी खबासत लेके गंदगी लेके कुफ्र और शिर्क की, मुस्तफा से करीब नहीं हो सकता। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल मुश्रिकून नजसुन, तो मालूम यह हुआ कि अल्लाह ने हमें ईमान देकर पाक कर दिया कुफ्र और शिर्क से। क्यों? कि रसूलुल्लाह से करीब हो जाएं, रसूलुल्लाह से करीब हो जाएं, हुजूर के जालियों तक पहुंच जाएं, हुजूर के सब्ज गुंबद की छांव में आ जाएं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल मुश्रिकून नजसुन फला यक़रबुल मस्जिदल हराम بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله, अगर तुमको तंगदस्ती और पावर्टी का खौफ है, فسوف يغنيكم الله, तो अल्लाह ताला अनकरीब तुम्हें मालदार कर देगा, गनी कर देगा, من فضله, अपने फजल से तुमको अल्लाह तबारक व तआला। हाँ, तो अहद रिसालत से करीब जो जमाने थे कुरून उला में तो मुसलमान गरीब थे, लेकिन आज मुसलमान गनी हैं, मालदार हैं। फसौफ युग्नीकुम अल्लाह, ऐ मुसलमानों तुमको मालदार कर देगा। फसौफ युग्नीकुम अल्लाह मिन फज़लिही, अल्लाह ताला तुम्हें अपने फजल से मालदार कर देगा, इंशा अगर वो चाहे। इन्नल्लाह अलीमुन हकीम, यकीनन अल्लाह ताला बहुत इल्म रखने वाला बड़ी हिकमतों वाला है। कातिलुल लज़ीना ला युमिनून बिल्लाहि वला बिल यौमिल आखिर वला युहर्रिमून, खातिरुल्लज़ीना ला युमिनूना बिल्लाह, उन लोगों से ऐ मुसलमानों जिहाद करो, जंग करो जो अल्लाह पर ईमान नहीं रखते, काफिरों से जंग करो। वला बिल यौमिल आखिर, उन लोगों से जंग करो जो अल्लाह को नहीं मानते, आखिरत पर ईमान नहीं रखते। वला युहर्रिमूना मा हर्रम अल्लाह व रसूलुहु, और अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने जिन चीजों को हराम करार दिया उनको हराम नहीं करार देते, ऐसे लोगों से जंग करो।